बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नत। हेलो दोस्तों, आप भी चाहते हैं इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना है तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, आपको पता चल जाएगा इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कैन मास्टर डाउनलोड करना है। कैन मास्टर नहीं आपके फ़ोन में तो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जो भी वीडियो मैं इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो बनाने में तो सभी की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको कैन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस आपके सामने मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको बीच थ्री ऑप्शन ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद आपको करना है बीच में जो 9:16 पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, फुल स्क्रीन को बना रहे हैं तो बीच के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो सेटिंग का ऑप्शन है जस्ट लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, आपको साइड में, तो सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको आपको एडिटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है और जस्ट दूसरा ऑप्शन पे टिक कर देना आपको। ठीक है, इस पर टिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। इस तरह से सेव करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो उससे वीडियो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो लेना है आपको, तो आपको फ़ोटो ले लेना है। ठीक है, अपना जो भी जिससे भी जिस फ़ोटो से वीडियो बनाना चाहते हो आप ये फ़ोटो ले लेना। ठीक है, इसके बाद मैं एक एक करके फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको सिंपल फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लाइट को इस तरह से आपको अपनी फ़ोटो हिसाब से यहाँ पे मैनेज करना आपको। ठीक है, ध्यान रखना है, इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको फ़ोटो हिसाब से लाइट को यहाँ पे मैनेज करना आपको। ठीक है, यानी मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे आपको बढ़ाना है, आपको अपनी फ़ोटो हिसाब से आपको बढ़ाना है नंबर। ठीक है, इस तरह से आप सभी फ़ोटो पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। पहले इससे क्या होता है, फ़ोटो पे लुक बढ़िया आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें जो हर फोटो के बीच में जो गैप है इसकी वाइट कलर का बॉक्स बना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो थीम है जो अप्लाई ट्रांजिशन जो एक फ़ोटो के बाद दूसरे जो ऑप्शन है तो ये है, तो आपको सिंपल इसको डाउनलोड कैसे करना, आपके फ़ोन में नहीं रहेगा तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गेट मोड पे नीचे आना है, तो गेट मोड मिलेगा, तो गेट मोड पे क्लिक करना आपको, जस्ट इस ऑप्शन पर दूसरा नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, जस्ट आपको ये देख मिल जाएगा, आपको सिंपल इससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड मेरे फ़ोन में ऑलरेडी बता रहे, तो आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आप सिंपली इस अप्लाई का आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को अप्लाई करना है, सभी आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, सभी बॉक्स पे क्लिक करके आपको एक एक करके अप्लाई करना है। सभी को मैं कर लेता हूँ, इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो की लिंक मिल जाएगा, मैं वीडियो शुरुआत में बता चुका हूँ इस वीडियो को मैं कि डाउनलोड मिल जाएगा, सभी की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। इसे क्या करना है, फुल स्क्रीन करना है आपको, ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना जरूर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन क्लिक करना है आपको, जस्ट स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक कर देना है आपको। इतना काम होने के बाद क्या करना है, हमें वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो को आपको जो भी साइज़ में आपको सेव करना है तो आपको यहाँ पे देख लेना कौन से साइज़ पे आपको सेव करना है। ठीक है, इसके बाद सेव कर लेना आपको। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हो सके तो लाइक भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो वॉइस रिकॉर्ड करो इसलिए कारण दोस्तों कभी कभी मिस्टेक होता है, मैं पहले ऐसे वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, इस वजह से दिक्कत आ रहा है। पहली बार मैं तो ऐसे पहले बनाया हूँ लेकिन दिक्कत आ रही है, तब भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद माफ करना जो डिस्टर्ब होता है कभी कभी बोलने में। ठीक है, इसके बाद आपको करना है सिंपल बैक चले जाना। इस तरह से बैक जाने के बाद आपको सिंपल प्लस के आइकन पर दोबारा क्लिक करना है आपको, सेम चीज़ आपको सेम कर लेना आपको। ठीक है, ऐसे ही फुल स्क्रीन क्लिक करना है,
करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बड़ा बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। तो सिंपल इसे साइज को बड़ा कर लें, इस तरह से साइज को बड़ा करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। आपको जो वीडियो अभी हमने लिए थे, सबसे पहले आपको वीडियो लेना है इस तरह से। लेने के बाद इसे क्या करना है, फुल स्क्रीन कर देना है इस तरह से। तो जितना साइज का वीडियो होती है इतना साइज का आपको कर लेना है इस तरह से, ठीक है। वीडियो लेने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। आपको मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो की लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपली से भी फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्रोमा के भी क्लिक करना है। आपको इस तरह से इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ब्लू कलर है, तो आप यहाँ पे ग्रीन करना है, ठीक है। तो ग्रीन करने के बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। इस वीडियो को भी सेव करना है। वीडियो को सेव कर लेते हैं। इस वीडियो को भी सेव करने के बाद सिंपल बैक जाना है। बैक जाने के बाद क्या करना है, हमें इस जो ग्रीन जो ब्लू स्क्रीन का वीडियो था उसे डिलीट कर देना है आपको, ठीक है। इस तरह से डिलीट करना है। इस जो दूसरा वाला वीडियो था हमारा, जो फोटो वाला, उस वीडियो को रहने देना आपको। इसके बाद क्या करना है, हमें वीडियो पर क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। देखो वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे जाना है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले पर जो दूसरा नंबर ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, इस तरह से नीचे जाना है। ये देखो B36 इस पर ऑप्शन पे जो लिखा है इस पर क्लिक कर लेना है इस तरह से, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपल इसे बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको दोबारा लाइट पे आना है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा इधर इस तरह से डार्क कर देना आपको, ठीक है। यहाँ इसे रहने देना इतना ही, आपको जीरो रहने देना, इसे थोड़ा सा इतना कर देना, ठीक है। इसके बाद सेव कर देना है। इतना काम होने के बाद हमारा क्या करना है, थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। और जो वीडियो का भी मैंने सेव किए थे, जो अभी सेव किए थे, सिंपल ये वीडियो को लेना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना है, अभी दो वीडियो सेव किए थे, तो अभी जो सेव किए थे वो लेना है, ठीक है। इसे क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपल ये जो ऑप्शन है क्रोमा के ऑप्शन क्लिक करना है, इसे ओपन कर देना है। तो ऑलरेडी आपको ब्लू कलर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लू कलर नहीं है तो यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। देखो इसके बाद हम वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। इसी ऑप्शन क्लिक करने के बाद दिखा देता हूँ आपको, इससे क्या हो देखने में सुविधा होगा आपको। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नत सच कहूँ। इससे क्या करते वीडियो में लुक बढ़िया आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट्स हम ऐड करेंगे, तो आपको संपर्क आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, लाइट इफेक्ट्स पे इसे फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करना है, इसे म्यूजिक को ऑफ कर देना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, म्यूजिक को ऑफ कर देना है, ठीक है। इस तरह से म्यूजिक को ऑफ करने के बाद सिंपल जाना है ब्लेंडिंग पे, आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन के बाद सेव करना है। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नत सच कहूँ छोड़ दूँ। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्रेम ऐड करना है, जो भी साइड बॉर्डर होता है इसे ऐड करना है आपको। इसे भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। इसके पूरे वीडियो में आपको ऐड कर देना है इस तरह से, आपको साइज को बड़ा कर लेना है। सिंपल दोस्तों वीडियो रेडी हो गया। रेडी होने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको वीडियो सेव कर लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब, ठीक है।